चलिए, पिछली वीडियो में हम लोग हेनरी के नियम और इसके अलावा जो है वाष्प दाब के बारे में पढ़े हुए थे। वहाँ हम लोग पढ़े हुए थे वाष्प दाब के बारे में, बस इसके रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। देखिए, वाष्प दाब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी में कहते हैं वेपर प्रेशर, वाष्प दाब या फिर वेपर प्रेशर। देखो वाष्प दाब क्या होता है, ठीक है, पहले समझो वाष्प दाब क्या होता है। पिछले वीडियो में अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन किए हुए थे लास्ट के 10-15 मिनट में, उसी को थोड़ी कैप कर लेते हैं फिर इसमें आगे देखेंगे, क्योंकि आगे के टॉपिक्स जो हैं वो इसी से रिलेटेड है। देखिए वाष्प दाब क्या होता है, तो बताए हुए थे कि मान लीजिए ये कोई लिक्विड है, और लिक्विड जो है वो जो तरल पदार्थ है, जो द्रव है, ये कैसा है? वाष्पशील द्रव है। देखो दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक वाष्पशील होता है, एक अवाष्पशील होता है, मतलब एक वोलाटाइल बोलते हैं और एक बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। जो चीज़ें ईजिली वाष्प में चेंज हो जाती हैं उन्हें कहा जाता है वाष्पशील पदार्थ, और जो आसानी से वाष्प में चेंज नहीं होता है उनको कहा जाता है अवाष्पशील पदार्थ। तो मान लीजिए कि ये अगर जल है और इसको हम ऐसे एक कंटेनर में रखे हुए हैं, तो जल कैसा होता है? जल तो वाष्पशील होता है। अच्छा, तेल कैसा है? अब पूछा जाए कि जल और पेट्रोल में से ज़्यादा वाष्पशील कौन है, तो जल और पेट्रोल में से जो पेट्रोल है वो अधिक वाष्पशील है जल की तुलना में, जो कि पेट्रोल का वाष्प जल्दी बनेगा, ठीक है, जल की तुलना में। तो देखिए मान लीजिए ये जल है, तो ये शुरू शुरू में क्या होगा? वाष्प में चेंज होगा, मतलब कि जब हम जल को ऐसे रखते हैं, जब मान लो कि बोतल अगर आधा भरा हुआ है पानी से और उसको अगर रख दें, तो क्या होगा? पानी की बोतल का जो आधा ऊपर खाली बोतल है उसके दीवार पर हमको पानी की बूंद दिखाई पड़ती हैं, तो पानी की बूंदें कहाँ से आई हैं? जो पानी नीचे मौजूद है वही पानी वाष्प बन के ऊपर आ गया है। तो वैसे ही यहाँ से जो पानी है वाष्प बन के ऊपर आ जाएगा, और वाष्प बन के जब ऊपर यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो ये जो वाष्प जो है ये धीरे धीरे क्या होगा कि इसकी मात्रा बढ़ते जाएगी, वाष्प की मात्रा बढ़ते जाएगी, और जो यहाँ पर तरल पदार्थ द्रव है इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? घटते जाएगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जितना द्रव यहाँ से वाष्प बन के ऊपर जाएगा उतना ही वाष्प यहाँ से द्रव बन के कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। मतलब कि शुरू शुरू में क्या हो रहा है कि H2O लिक्विड जो है ये चेंज हो रहा है किस में? ये चेंज हो रहा है H2O वेपर में, H2O वाष्प में ये चेंज हो रहा है, H2O वाष्प में ये चेंज हो रहा है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा कि जो H2O वाष्प है ये भी H2O लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये जब अवस्था होगा कि जितना H2O यहाँ से वाष्प बन के ऊपर जाएगा उतना ही वाष्प जब यहाँ से लिक्विड बन के नीचे आएगा, तो वो जो अवस्था होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे साम्य अवस्था। और इसी साम्य अवस्था में ये जो जल के अणु, जो वाष्प के अणु हैं, इन वाष्प के अणुओं द्वारा इस द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाएगा, साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया जाने वाला दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। तो वाष्प दाब क्या होता है इसको हम बता चुके हैं कि वाष्प दाब क्या है, द्रव की सतह पर वाष्प के अणुओं द्वारा साम्य अवस्था में लगाया जाने वाला दाब जो है वो वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब किन किन कारकों पर डिपेंड करता है? वाष्प दाब बेसिकली जो है दो कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन? पहला है अंतर आणविक बल। तो इन दो चीज़ों पर जो है वाष्प दाब निर्भर करता है। तापमान से क्या मतलब है? जितना ज़्यादा तापमान बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर वाष्प बढ़ते जाएगा, और जितना ज़्यादा वाष्प बढ़ते जाएगा जो वाष्प का जो दाब है वो भी बढ़ते जाएगा। मतलब कि तापमान बढ़ाने से जो वाष्प दाब है वो क्या होता है? बढ़ता है। सेकेंड चीज़ है अंतर आणविक बल। अगर हम अंतर आणविक बल की बात करें तो द्रव के बीच अंतर आणविक बल जितना ही मजबूत होगा, बताओ वाष्प उतना ही ज़्यादा बनेगा कि उतना ही कम बनेगा? जितना ज़्यादा मजबूत अंतर आणविक बल होगा उतना कम वाष्प बनेगा, क्योंकि ये जो द्रव हैं जितना पास होंगे ये उतना कम वाष्प में परिवर्तित हो पाएंगे, ठीक है। मतलब कि तापमान को बढ़ाने से जो हमारा वाष्प दाब है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और अंतर आणविक बल के बढ़ने से जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ये दो फैक्टर थे जिन पर कि वाष्प दाब डिपेंड करता है। अब इससे रिलेटेड बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट नियम है, जिसको बोलते हैं राउल्ट का नियम। लेकिन राउल्ट का नियम पढ़ने से पहले हम लोग एक और नियम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, और इसके बाद जो है राउल्ट का नियम पढ़ा जाएगा। तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, इसको क्या बोलते हैं? डाल्टन्स
डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सबसे पहले ये समझिए कि आंशिक दाब किसे कहते हैं, आंशिक दाब क्या होता है, पहले ये समझो। जैसे कि मान लो कि ये एक कंटेनर है, मतलब ये एक पात्र है, और इस पात्र में क्या है कि बहुत सारी गैस, मान लो कि A2 गैस है, B2 गैस है, C2 गैस है, ऐसे मौजूद है, ऐसे बहुत सारे गैस मौजूद हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि मान लो A2 कुछ दाब लगाएगा, ठीक है, मान लो कि A2 कुछ दाब लगाया, मान लो दाब लगाया 2 पास्कल। हर एक गैस की प्रकृति होती है कि जो जिस भी वो पात्र में होता है उस पात्र के दीवार पर अपना दाब लगाता है। वैसे ही B2 भी दाब लगाएगा, तो मान लो B2 लगाया दाब 3 पास्कल। वैसे ही C2 भी दाब लगाएगा, मान लो C2 दाब लगाया 4 पास्कल। इस तरह से हर एक गैस अपना अलग अलग दाब लगाएगा। तो ये जो गैस का मिश्रण, देखिए यहाँ पर बहुत सारे गैस का मिश्रण है ना, A2 गैस है, B2 गैस है, मान लो कोई भी गैस यहाँ पर होता, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोई भी गैस यहाँ पर होता, तो बहुत सारे गैस का मिश्रण है। तो जो गैस का मिश्रण है, इन गैस के मिश्रण में किसी एक गैस के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है, इसी दाब को क्या कहते हैं, आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो आता है कि आंशिक दाब से आप क्या समझते हैं, तो क्या बोलोगे, गैस के मिश्रण में किसी एक गैस के द्वारा लगाया जाने वाला दाब आंशिक दाब कहलाता है, ठीक है। गैस के मिश्रण में किसी एक गैस के द्वारा लगाया जाने वाला जो दाब है उसे क्या कहते हैं, आंशिक दाब कहते हैं। देखो आंशिक दाब से संबंधित डॉल्टन ने जो नियम दिया उसको हम देखते हैं कि आंशिक दाब से रिलेटेड डॉल्टन ने क्या बोला। डॉल्टन ने बोला कि इस पूरे ये जो पात्र है जिसमें बहुत सारे गैस मौजूद हैं, इस पात्र में देखो A2 भी है, B2 भी है, C2 भी है, तो ये जो पात्र है यहाँ बहुत सारे गैस मौजूद हैं, इस पात्र में जो लगने वाला जो टोटल दाब है, मतलब जो टोटल प्रेशर है वह इक्वल है, जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर वह इक्वल है जितने भी गैस मौजूद हैं उनके आंशिक दाब के योगफल के, मतलब कि इक्वल टू PA2 प्लस PB2 प्लस PC2। मान लो कि 3 गैस A2, B2 और C2 है, तो तीनों का जो आंशिक वाष्प, जो आंशिक दाब है, उनका योग जो कुल दाब है उसके बराबर होगा। इसी को क्या बोलते हैं, डॉल्टन के आंशिक दाब का नियम बोलते हैं। आता है एग्जाम में कि डॉल्टन के आंशिक दाब के नियम से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखोगे, गैस के मिश्रण में किसी एक गैस के द्वारा लगाया जाने वाला दाब क्या कहलाता है, आंशिक दाब कहलाता है, तथा डॉल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार गैस किसी पात्र में उपस्थित गैसों के द्वारा लगाया जाने वाला कुल दाब गैसों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं डॉल्टन के आंशिक दाब का नियम। जैसे कि मान लीजिए कि एक ही पात्र होता, जैसे मान लो 3 गैस होता, ये 2 गैस होता हाइड्रोजन, और होता है मान लो एक और गैस, मान लो होता है इसमें कोई जीनॉन, ठीक है, ऐसे 2 गैस होता। अब यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो दाब लगाएगा, तो मान लो हाइड्रोजन का दाब है PH2, जीनॉन भी दाब लगाएगा, मान लो जीनॉन का दाब है PXE, ठीक है। हाइड्रोजन कौन दाब लगाया, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और ये क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ जीनॉन। तो यहाँ पर ये हुआ हाइड्रोजन का आंशिक वाष्प दाब, हाइड्रोजन का आंशिक दाब, और ये हुआ जीनॉन का आंशिक दाब। जो कुल दाब है, जो टोटल प्रेशर है, वह इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ जीनॉन, जितने भी यहाँ पर गैस मौजूद हैं उनके आंशिक दाब के योग के बराबर होगा कुल दाब। इसी को बोलते हैं डॉल्टन के आंशिक दाब का नियम। तो इसको लिख लेना, जैसे लिखना होगा तो कि डॉल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार किसी पात्र में मौजूद कुल गैसों के द्वारा लगाया जाने वाला दाब उनके आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। इसी को डॉल्टन के आंशिक दाब का नियम कहा जाता है, ठीक है। इस बात को हम देख चुके, अब हम इसमें आगे देखेंगे। आगे हम देखेंगे अब राउल्ट का नियम, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउल्ट का नियम। देखो अभी तक हम लोग कौन कौन नियम पढ़े, अभी तक हम लोग पढ़े हेनरी का नियम, और एक कौन पढ़े, राउल्ट का नियम, डॉल्टन का आंशिक दाब का नियम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, इसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ, इसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। देखो राउल्ट का नियम क्या होता है,
राउल्ट का नियम क्या होता है समझते हैं इसको। अभी हम लोग पढ़ रहे सिर्फ पहले वाष्प दाब के बारे में, एक फिर से वाष्प दाब समझते हैं। जैसे मान लो कि ये पात्र है, इस पात्र में मान लो कि ये लिक्विड है, ठीक है, और वाष्पशील लिक्विड है, वाष्पशील द्रव है, और वाष्पशील नहीं है, वाष्पशील मतलब उसका वाष्प बनना आसान है। तो ये मान लो कि वाष्पशील द्रव है, कौन कौन है वाष्पशील द्रव, एक ए है और एक मान लो कौन है बी है, ये दोनों मिला हुआ है, ठीक है, ये दोनों को मिश्रित किया गया है वाष्पशील द्रव। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसका वाष्प बनेगा ऊपर आएगा और इसका भी वाष्प बनेगा ऊपर आएगा। मान लो अब इसका वाष्प बनेगा ऊपर आएगा तो वाष्प दाब भी फिर होगा, वाष्प दाब मान लो कि इसका जो वाष्प दाब है वो पी ए है, इसका जो वाष्प दाब है वो क्या है पी ए, और बी का जो वाष्प दाब है वो मान लो कि पी बी है। ए का वाष्प दाब क्या है पी ए, और बी का वाष्प दाब क्या है पी बी। ए का जो मूल अंश है वो मान लो जाइल ए है, और बी का जो मूल अंश है वो क्या है जाइल बी है। मतलब कि इस मिलियन में ए की जो सांद्रता है, ए के जो मूल अंश है वो क्या है जाइल ए, और बी का जो मूल अंश है वो क्या है जाइल बी। ए के यहाँ पर जो ए का वाष्प दाब है वो क्या है पी ए, और बी का जो वाष्प दाब है वो क्या है पी बी, ठीक है। तो और मान लीजिए कि यहाँ पर ए अगर शुद्ध अवस्था में होता, मतलब ए अगर किसी के साथ मिला हुआ नहीं होता, तो उस समय ए का जो वाष्प दाब होता शुद्ध अवस्था में वो मान लो होता पी नॉट ए। वैसे ही अगर बी शुद्ध अवस्था में होता, किसी से मिला हुआ नहीं होता, तो बी का जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होता वो मान लो होता पी नॉट बी। ध्यान से क्या बोल रहे हैं, देखो पी ए पी बी, जाइल ए जाइल बी, पी नॉट ए पी नॉट बी। तो यहाँ पर पी ए कौन है, पी ए क्या है, पी ए है ए का आंशिक वाष्प दाब। वैसे ही पी बी क्या है, पी बी है बी का आंशिक वाष्प दाब। वैसे ही जाइल ए या जाइल बी क्या है, जाइल ए है ए का मूल अंश और जाइल बी है बी का मूल अंश। और वैसे ही पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है, पी नॉट ए है ए का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब और पी नॉट बी है बी का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। तो यहाँ पर अब राउल्ट का नियम क्या कहता है कि जितना ज़्यादा यहाँ पर आंशिक वाष्प दाब होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर गैस की सांद्रता होगी, मतलब उतना ज़्यादा गैस जो है वो मिला हुआ होगा द्रव में, समझ रहे हैं। मतलब जितना ज़्यादा मूल अंश होगा, सिंपल राउल्ट का नियम ये कहता है पी ए परपोशनल जाइल ए, या फिर पी बी परपोशनल जाइल बी। मतलब कि किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के बिलियन में मौजूद मूल अंश के समानुपाती होता है, इसी को राउल्ट का नियम कहा जाता है। फिर सुनो क्या बोले, किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब, किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके बिलियन में मौजूद मूल अंश के समानुपाती होता है। मान लो ए का आंशिक वाष्प दाब पी ए है और बी का आंशिक वाष्प दाब क्या है पी बी है। ए का जो मूल अंश है वो जाइल ए है और बी का जो मूल अंश है वो क्या है जाइल बी है। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि पी ए समानुपाती जाइल ए एंड पी बी समानुपाती जाइल बी। जब यहाँ पर समानुपाती का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, स्थिरांक आ जाता है। तो मान लो कि यहाँ पर साइन हटे तो कौन आ जाएगा पी नॉट पी ए इजकल टू, यहाँ पर स्थिरांक आ जाएगा पी नॉट ए इंटू जाइल ए। पी नॉट ए क्या था, पी नॉट ए था ए का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। मतलब कि जब ए अकेले था, जब ए बी के साथ मिला हुआ नहीं था, तो उस समय जो ए का वाष्प दाब था वो मान लो कि पी नॉट ए था। वैसे ही जब बी अकेले था, जब बी मिला हुआ नहीं था, तो बी का जो वाष्प दाब था वो मान लो क्या था पी नॉट बी था। तो पी नॉट ए ये तो कॉन्स्टेंट रहेगा, देखो पी ए और पी बी चेंज हो सकता है, जैसे जैसे मूल अंश चेंज होगा जैसे जैसे दोनों का सांद्रता इसमें चेंज होगा, समझ रहे हो। जितना ज़्यादा यहाँ पर ए होगा उतना ज़्यादा उसका वाष्प दाब बनेगा, वैसे ही जितना ज़्यादा यहाँ पर बी होगा उतना ज़्यादा उसका वाष्प होगा और उतना ज़्यादा उसका वाष्प दाब होगा। तो ये तो चेंज हो सकता है, लेकिन जो पी नॉट ए और पी नॉट बी है ये कांस्टेंट चीज़ है, ये चेंज नहीं होता। तो वैसे ही यहाँ पर कांस्टेंट रहा तो कौन आ गया पी नॉट ए। वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा पी नॉट बी इंटू जाइल बी, पी नॉट बी इंटू जाइल बी।
यहाँ पर पी नॉट बी क्या है, पी नॉट बी है बी का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, वैसे ही पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए है ए का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। तो देखो राउल्ट के नियम को हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। पहला पढ़ने का तरीका ये हुआ कि किसी भी अवयव का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, ठीक है, किसी भी अवयव का वाष्प दाब उसके बिलियन में मौजूद मोल अंश के समानुपाती होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या बोल सकते हैं, किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब एवं बिलियन में उपस्थित उसके मूल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को क्या कहा जाता है, राउल्ट का नियम कहा जाता है। तो राउल्ट का नियम क्या हुआ, किसी भी अवयव का वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब एवं बिलियन में मौजूद उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जाइल ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू जाइल बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो पी ए और पी बी है ये क्या है, ये आंशिक वाष्प दाब है और जाइल ए और जाइल बी जो है मोल अंश है और पी नॉट ए और पी नॉट बी जो है ये शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है। मतलब जब ए और बी मिश्रित नहीं था, जब ए शुद्ध अवस्था में था उसमें उसका वाष्प दाब क्या था, पी नॉट ए, और जब बी शुद्ध अवस्था में था तब उसका शुद्ध वाष्प दाब क्या था, पी नॉट बी था, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग देख चुके, अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे और आगे का हमारा जो टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। इसी संबंधित टॉपिक एक है जिसको बोलते हैं हम लोग आदर्श और आदर्श बिलियन। देखो जो राउल्ट का नियम है इसको सभी बिलियन नहीं मानते हैं, ठीक, कुछ बिलियन इसको मानते हैं कुछ बिलियन इसको नहीं मानते हैं। तो इस तरह हमारे पास दो तरह का बिलियन होता है, मतलब कि राउल्ट के नियम के आधार पर हम बिलियन को जो है दो भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन बिलियन, पहला हुआ आदर्श बिलियन, पहले को क्या बोलते हैं, पहले को बोलते हैं आदर्श बिलियन या फिर इसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरे को बोलते हैं अनादर्श बिलियन, दूसरे को बोलते हैं अनादर्श बिलियन या फिर एक हो गया आदर्श बिलियन और एक कौन हो गया अनादर्श बिलियन। देखो आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन क्या है, आदर्श बिलियन क्या है, तो वैसे बिलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वैसे बिलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें कहा जाता है आदर्श बिलियन, और जो बिलियन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें कहा जाता है अनादर्श बिलियन। अब देखो राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट का नियम है पी ए इजकल टू पी नॉट ए इंटू जाइल ए और पी बी इजकल टू पी नॉट बी इंटू जाइल बी। यही तो राउल्ट का नियम है कि आंशिक वाष्प दाब शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब एवं मूल अंश के गुणनफल के बराबर होता है, यही तो राउल्ट का नियम है। अब जो बिलियन इस राउल्ट के नियम को मानते हैं उन्हें कहा जाता है आदर्श बिलियन, और जो बिलियन राउल्ट के नियम को, मतलब जो मानेगा जिसके लिए पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जाइल ए उसको क्या बोलते हैं, आदर्श बिलियन, और जो इस नियम को नहीं मानेगा इसमें पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जाइल ए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनादर्श बिलियन। यही दो तरह का बिलियन है, आदर्श और अनादर्श। जो बिलियन राउल्ट के नियम को मानेगा उसको आदर्श बिलियन और जो नहीं मानेगा उसको बोलेंगे अनादर्श बिलियन। इन दोनों में थोड़ा और अंतर देखते हैं कि और दोनों में क्या अंतर होता है, आदर्श में और अनादर्श बिलियन में और अंतर क्या होता है। देखो तो पहला बात तो ये हो गया कि आदर्श बिलियन में ये राउल्ट के नियम को मानता है, मतलब ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, मतलब पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जाइल ए, ये पहला बात। दूसरा बात पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जाइल ए, मतलब ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। दूसरा बात इसमें क्या होता है कि मान लीजिए दो कंपोनेंट है ए टू और बी टू, इनको मिलाकर बनाया गया ए बी, इनको मिला कर बनाया गया ए बी। तो यहाँ पर ए और ए मिलके ए टू बना हुआ है, बी और बी मिलके बी टू बना हुआ है और ए बी मिलके ए बी बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आदर्श बिलियन बनेगा, ठीक है, अगर आदर्श बिलियन बनेगा तो ए टू और बी टू का जो आकर्षण बल है, मतलब जो आकर्षण बल ए और बी के बीच में है, जब ए बी बनेगा तो ए और बी के बीच में भी वही उसी तरह का आकर्षण बल होगा, वही आकर्षण बल होगा। मतलब कि ए ए इज इक्वल टू बी बी इज नॉट सॉरी इज इक्वल टू ए बी, मतलब कि जिस बिलियन में जो अवयव हैं उनका अंतर आणविक आकर्षण बल, ठीक है, जो बिलियन बन रहा है उसके आकर्षण बल के बराबर हो जाए उस बिलियन को क्या कहा जाता है, आदर्श बिलियन। तो आदर्श बिलियन का पहला कंडीशन क्या हुआ,
कि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक है। उसके बाद आदर्श विलयन का दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि राउल्ट के आदर्श विलयन जो है उसमें अवयवों का आकर्षण बल और जो विलयन बन रहा है उसका आकर्षण बल बराबर होता है। तीसरा बात कि इसमें जो चेंज इन एंथैल्पी है वो जीरो, मतलब कि ऐसा अभिक्रिया जब आदर्श विलयन बनता है, जब अवयवों को मिलाया जाता है आदर्श विलयन बनाने के लिए, तो उसमें वो अभिक्रिया जो होती है मिलाने की, वो ना ही ऊष्मा छेपी होती है और ना ही ऊष्मा शोषी होती है, मतलब ना ही उसमें ऊष्मा निकलता है और ना ही, आपको पता होगा कि दो तरह की अभिक्रियाएँ होती हैं, कौन कौन, एक होता है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया और एक कौन होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होता है उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और इसमें ऊष्मा निकलता है उसको बोलते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये किसके लिए होता है, ये होता है ऊष्मा शोषी के लिए, ऊष्मा शोषी के लिए। और अगर डेल्टा एच निगेटिव है तो ये होता है किसके लिए, ऊष्मा छेपी के लिए। उष्मा छेपी के लिए डेल्टा एच निगेटिव, उष्मा शोषी के लिए डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो डेल्टा एच अगर जीरो है, मतलब कि ना ही उष्मा शोषी है और ना ही उष्मा छेपी है, तो यहाँ पर डेल्टा एच जो होता है जीरो होता है। उसके बाद मतलब कि ये सब क्रिया में ना ही उष्मा निकलता है, इस बिलिंग को बनाते समय ना ही उष्मा निकलता है ना ही उष्मा जो है अवशोषित होता है। उसके अलावा इसमें डेल्टा भी इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पर आयतन में परिवर्तन भी शून्य होता है, मतलब कि आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब मान लो कि दो कंपोनेंट ए और बी है, एक है 5 लीटर दूसरा भी है 5 लीटर, मिला के अगर बनाया गया बिलियन, तो बिलियन भी कैसा होगा, एकदम 10 लीटर होगा, उसमें आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, V2-V1 जीरो होगा, ठीक है। तो ये चार कंडीशन है जो कि आदर्श विलयन मानते हैं। आपको याद रखना चाहिए आता है एग्जाम में कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं एवं इनके क्या गुणधर्म है। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, वैसे विलयन, ठीक है, वैसे विलयन जो राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं उन्हें कहते हैं आदर्श विलयन। इनके क्या गुणधर्म है, तो पहला गुणधर्म कि राउल्ट के नियम का पालन करेगा, सेकेंड गुणधर्म कि इसमें अवयवों का अंतर्निहित आकर्षण बल विलयन के अंतरात्मिक आकर्षण बल के बराबर होगा, तीसरा कि यहाँ पर ऊष्मा में परिवर्तन जीरो होगा, मतलब यहाँ पर ऊष्मा अभिक्रिया ना ही ऊष्मा छेपी होता है और ना ही ऊष्मा शोषी होता है, और चौथा कि यहाँ पर आयतन में परिवर्तन भी शून्य होगा, मतलब डेल्टा भी यहाँ पर कैसा होगा, जीरो होगा। तो ये सब बात हम लोग पढ़े आदर्श विलयन में। चलिए अब बात करते हैं अनादर्श विलयन का, तो इसी के जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, मतलब यहाँ पर पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जाइल, यहाँ पालन कर रहा है यहाँ पालन नहीं करेगा। दूसरी बात कि यहाँ पर क्या है, अंतरात्मिक आकर्षण बल ज़्यादा है, मतलब कि बराबर है, जो जो अवयव का है वही बिलियन का है, जबकि यहाँ पर बराबर नहीं होता है, यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, ज़्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है। मतलब मान लो कि अवयव है ए ए और बी बी, तो इनका जो अंतरण का आकर्षण बल है जो अवय जो बिलियन बनेगा ए बी, उससे बराबर नहीं होगा, या तो उससे ज़्यादा होगा या उससे कम होगा। तो ये पहला कंडीशन, ये सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन जो यहाँ पर आता है वो ये आता है कि इस तरह के विलयन में आयतन में परिवर्तन भी शून्य नहीं होता है, मतलब कि यहाँ पर या तो आयतन बढ़ जाता है या आयतन घट जाता है, या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा या वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फोर्थ कंडीशन ये है कि यहाँ पर डेल्टा एच भी जीरो नहीं होता है, मतलब डेल्टा एच या तो पॉजिटिव होगा या डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव। मतलब डेल्टा एच मतलब क्या, एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन या तो शून्य या तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब कि ऊष्मा शोषी, और नहीं तो निगेटिव होगा, निगेटिव है मतलब कि ऊष्मा छेपी। तो या तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी या अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्मा से छेपी या फिर ऊष्मा शोषी होती है। देखो तो अभी तक क्या क्या पढ़े, यही चार बातें हैं, ठीक है। पहली बात क्या है कि राउल्ट के नियम को मानेगा, ये राउल्ट के नियम को नहीं मानेगा। दूसरी बात कि इसमें अंतरणिक आकर्षण बल समान होता है, इसमें असमान होता है। तीसरी बात कि इसमें आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, इसमें आयतन बढ़ या घट सकता है। चौथी बात कि इसमें एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है, मतलब ना ही यह अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है और ना ही ऊष्मा शोषी है, जबकि इसमें एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य नहीं होता है, इसमें एंथैल्पी या तो बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। तो यहाँ पर ये बात खत्म होता है आदर्श अनादर्श विलयन का। अब देखिए यहाँ पर जो अनादर्श विलयन है वो फिर दो प्रकार के हो सकते हैं, मतलब कि जो अनादर्श विलयन है वो फिर कितने प्रकार के हो सकते हैं, फिर से ये दो प्रकार के अनादर्श विलयन भी हो सकते हैं,
अनादर्श विलयन भी दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन, देखो तो अभी हम देखें कि अनादर्श विलयन क्या क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पर। पहली बात कि पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जाइल। दूसरी बात कि जो अंतर आणविक आकर्षण बल है ए, मान लो कि जो अंतर ए और ए का है, वह बराबर नहीं होगा ए बी के, ठीक है। तीसरी बात, इंथैल्पी में परिवर्तन शून्य नहीं होगा। अनादर्श विलयन लिख रहे हैं, अनादर्श विलयन के लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। चौथी बात कि यहाँ पर इंथैल्पी में परिवर्तन भी शून्य नहीं होगा। तो ये चार बातें यहाँ पर हैं। अब देखो ये बराबर नहीं है तो या तो ज़्यादा होगा या कम। देखो दोनों चारों कंडीशन में दो दो कंडीशन पॉसिबल है। बराबर अगर होता तो ठीक है, लेकिन बराबर नहीं है मतलब क्या है, या तो ज़्यादा है या फिर कम है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो अनादर्श विलयन है, जो अनादर्श विलयन है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वह कितने टाइप का हो सकता है, दो टाइप का। कुछ ऐसे अनादर्श विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। और कुछ ऐसे अनादर्श विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि धनात्मक विचलन में क्या होता है और यहाँ पर ऋणात्मक विचलन में क्या होता है। देखो पहली बात, धनात्मक विचलन मतलब क्या, मतलब कि यहाँ पर देखिए दो कंडीशन पॉसिबल है। पहला कंडीशन ये पॉसिबल है कि जो पी ए है, मतलब जो आंशिक वाष्प दाब है ए का, ये ज़्यादा हो पी नॉट ए इंटू जाइल से, ठीक है। इससे ये क्या हो, ज़्यादा हो। अगर इससे ये ज़्यादा होगा मतलब इसका आंशिक वाष्प दाब ज़्यादा है, समझ रहे क्या बोल रहे हैं, ये ऐसे समझो इसको। देखो एक कंडीशन ये पॉसिबल है, यहाँ से समझो, एक कंडीशन ये पॉसिबल है कि जो विलयन बना, विलयन का जो अंतर आणविक आकर्षण बल है, ठीक है, ये कमजोर है जो अवयव हैं उनके आकर्षण बल से। अवयव के बीच का जो आकर्षण बल था उसके आकर्षण बल से ये आकर्षण बल कमजोर है। अब बताओ जब अंतर आणविक आकर्षण बल कमजोर हो गया तो वाष्प ज़्यादा बनेगा कि कम बनेगा, ज़्यादा बनेगा, है ना। क्योंकि हम पढ़े थे कि वाष्प दाब दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। कौन कौन फैक्टर, पहला फैक्टर होता है तापमान और दूसरा क्या, दूसरा होता है अंतर आणविक आकर्षण बल। तो अंतर आणविक आकर्षण बल अगर यहाँ पर मजबूत होने की बजाय अगर कमजोर हो गया तो वाष्प अधिक बनेगा, वाष्प अधिक बनेगा तो वाष्प दाब अधिक होगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पी ए ज़्यादा हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू जाइल से वाष्प दाब ज़्यादा हो जाएगा। सेकेंड बात क्या होगा कि यहाँ पर आयतन बढ़ गया, मतलब वाष्प ज़्यादा बन गया ना, तो पहले लिक्विड फॉर्म में था तो कम था, वाष्प बन गया तो वो आ गया गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि डेल्टा भी जो है वो भी जीरो से ज़्यादा है, मतलब डेल्टा भी कैसा है, डेल्टा भी पॉजिटिव है, डेल्टा भी कैसा है, पॉजिटिव। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर जो डेल्टा एच है वो भी जीरो से ज़्यादा होगा, जो डेल्टा एच है वो भी जीरो से ज़्यादा होगा। डेल्टा एच भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर तीन चार बात निकल कर आई। पहली बात क्या थी कि राउल्ट के नियम के हिसाब से विलयन दो प्रकार के थे, कौन कौन था, एक था आदर्श विलयन, एक कौन था अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या है, आदर्श विलयन वैसा विलयन है जो कि राउल्ट के नियम को मानता है, और जो नहीं मानता है उसे कहते हैं अनादर्श विलयन। जो अनादर्श विलयन है वो दो प्रकार के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन मतलब कि निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं वो कैसे करेंगे, इसमें हम लोग देखें कि इसमें क्या होता है कि जो
अंतर आणविक आकर्षण बल है विलयन का, वो कमजोर होता है अवयवों के आकर्षण बल से। अब अगर वो आकर्षण बल कमजोर होगा तो कमजोर होने की अवस्था में क्या होगा, जो वाष्प दाब है वो बढ़ जाएगा। और जब वाष्प दाब बढ़ जाएगा मतलब कि पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू जाइल ए, पहली बात। दूसरी बात कि इसका आयतन भी बढ़ जाएगा, मतलब डेल्टा भी इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा भी कैसा हो गया पॉजिटिव। और तीसरी बात कि इसका जो इंथैल्पी में परिवर्तन है वो भी बढ़ जाएगा, तो डेल्टा एच इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, मतलब डेल्टा एच भी कैसा होगा पॉजिटिव। तब बोलते हैं हम कि अब जो है वो विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, चूँकि यहाँ पर डेल्टा एच डेल्टा वी सबका वैल्यू पॉजिटिव है ना, इसलिए इसको बोलते हैं कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा ऋणात्मक विचलन के बारे में। देखो इसी का उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, आकर्षण बल कमजोर हो गया था। अगर मान लो कि आकर्षण बल मजबूत हो जाए, मतलब कि जो विलयन बने उसका आकर्षण बल मजबूत हो, स्ट्रांग हो अवयवों के आकर्षण बल से, तो अगर मजबूत होगा आकर्षण बल, अगर स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, वाष्प दाब कम बनेगा, मतलब पी ए विल बी लोअर देन पी नॉट ए इंटू जाइल ए। अगर आकर्षण बल कमजोर होगा, आकर्षण बल अगर मजबूत होगा तो वाष्प कम बनेगा, जितना मजबूत आकर्षण बल उतना कम वाष्प बनेगा। मतलब कि ये आकर्षण बल अगर कमजोर है, आकर्षण बल अगर मजबूत हो गया है तो वाष्प कम बना, तो P इज लोअर देन P नॉट A इंटू जाइल। ऐसा जो विलयन होता है उसमें जो वॉल्यूम है जो आयतन है बढ़ाओ कि बढ़ जाएगा घट जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि पहले जब आकर्षण बल कमजोर था तो वाष्प ज़्यादा बन रहा था, उसका वॉल्यूम ज़्यादा था। अब आकर्षण बल मजबूत हो गया तो वाष्प कम बनेगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा घट जाएगा, मतलब डेल्टा भी जो है वो जीरो से कम होगा, मतलब डेल्टा भी जो है वो कैसा होगा निगेटिव होगा। तीसरी बात ये कि बताओ इसमें इंथैल्पी में परिवर्तन, इंथैल्पी में परिवर्तन जो है वो जीरो से ज़्यादा होगा कि जीरो से कम होगा, मतलब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो इसमें जो इंथैल्पी में परिवर्तन है वो नेगेटिव होता है। इसमें जो इंथैल्पी में परिवर्तन है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये चार बातें हैं इसमें, इसमें भी चार बातें। पहली बात, इसमें आकर्षण बल कमजोर हो जाता है, इसमें आकर्षण बल मजबूत हो जाता है, इसमें वाष्प दाब बढ़ जाता है, इसमें वाष्प दाब घट जाता है, इसमें आयतन में परिवर्तन बढ़ जाता है, इसमें आयतन में परिवर्तन घट जाता है, इसमें इंथैल्पी पॉजिटिव होता है, मतलब कि ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, और ये जो है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होता है। तो अभी तक हम लोग पढ़े कि हेनरी का नियम क्या है, पहले वीडियो में पढ़े थे, आज भी उसको रिकैप किया। उसके बाद हम लोग पढ़े कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़े कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, और राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन के प्रकार कितने होते हैं। तो पढ़े कि विलयन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक होता है आदर्श विलयन और एक कौन होता है अनादर्श विलयन। उसके बाद पढ़े कि जो अनादर्श विलयन है वह राउल्ट के नियम से दो तरह का विचलन प्रदर्शित कर सकता है, कौन कौन विचलन, पहला हो गया धनात्मक विचलन और कौन हो जाएगा ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन जो विलयन प्रदर्शित करते हैं उनमें डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा भी पॉजिटिव, पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू जाइल ए, इसके अलावा आकर्षण बल कमजोर हो जाता है। और जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है उसमें आकर्षण बल मजबूत हो जाता है, ठीक है, उसके अलावा उसमें वाष्प दाब घट जाता है, आयतन में परिवर्तन निगेटिव हो जाता है, इंथैल्पी में परिवर्तन भी निगेटिव हो जाता है। तो इतना करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, और आगे हम लोग पढ़ेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में। कुछ मिश्रण होते हैं जिन्हें कहा जाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण, क्या कहते हैं इन्हें, स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो अभी तक ध्यान से समझ रहे हैं कि विलयन चैप्टर में अभी तक हम लोग जो है लगभग आधा चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, आधा और बचा हुआ है, जिसमें कि स्थिर क्वाथी मिश्रण, और फिर लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जो आएगा अनुसंख्य गुणधर्म, तो उसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। देखो तो पहले देखते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में, टॉपिक है स्थिर क्वाथी मिश्रण, अंग्रेजी में बोलते हैं एजियोट्रॉफिक मिक्सचर, क्या बोलते हैं इसको, स्थिर क्वाथी मिश्रण या फिर एजियोट्रॉफिक मिक्सचर। देखो ये क्या होता है, इंसानों को पता है कि अलग अलग जो द्रव है, अलग अलग जो लिक्विड्स हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है वो अलग अलग होता है,
होता है कि नहीं, अलग अलग जो जो द्रव हैं उनका क्वथनांक भी अलग अलग होता है। जैसे कि अगर पूछा जाए बताओ जल का क्वथनांक क्या है, क्वथनांक मतलब कि उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जिस पर कि वो द्रव से गैस बन जाएगा। तो जल का क्वथनांक कितना है, जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। जल का क्वथनांक कितना होता है, 373 केल्विन, अगर एग्जैक्टली बोलें 373.15 केल्विन। वैसे देखा जाए तो HCl जो होता है इसका क्वथनांक होता है 188 केल्विन, ठीक है। जल का क्वथनांक कितना होता है 373.15 केल्विन, HCl कितना होता है 188 केल्विन। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, जो मिश्रण बनता है उस मिश्रण का जो क्वथनांक है वो हो जाता है 381 केल्विन, 381 केल्विन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बिलियन का क्वथनांक है, ये जो दोनों इसके अवयव हैं उनके क्वथनांक से ज़्यादा है, और एक ही क्वथनांक पर जल और HCl दोनों का जो मिश्रण है यही क्वथनांक पर वो उबल रहा है, बॉयल हो रहा है। तो इस तरह का जो मिश्रण है जिसमें अलग अलग अवयव का क्वथनांक अलग अलग होता है लेकिन पूरा मिश्रण एक ही क्वथनांक एक ही तापमान पर उबलता है, उस तरह के मिश्रण को क्या कहा जाता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। देखो नाम से ही है स्थिर क्वाथी, मतलब वैसा मिश्रण जिसका क्वथनांक जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो स्थिर होता है, वो चेंज नहीं होता है, और एक ही तापमान पर सभी अवयव उबलते हैं, उस तरह का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। उसी का एग्जांपल देखो, इस मान लो जल है और एथेनॉल है, एल्कोहल एथेनॉल। जल का जो क्वथनांक है अभी देखें कितना होता है, 373.15 केल्विन, और एथेनॉल मतलब एथाइल अल्कोहल का जो क्वथनांक है वो होता है 391.3 केल्विन। लेकिन दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण बनता है उसका क्वथनांक होता है 351.1 केल्विन, कितना होता है 351.1 केल्विन। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो मिश्रण है उसका क्वथनांक इन दोनों से क्या है, कम है, लेकिन दोनों के दोनों जो हैं अवयव या एक ही क्वथनांक पर एक ही तापमान पर उबल रहे हैं, बॉयल हो रहे हैं। तो ये भी कैसा मिश्रण हुआ, स्थिर क्वाथी मिश्रण। लेकिन एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पर जो मिश्रण है, ये जो मिश्रण है जल और HCl का, उसका क्वथनांक दोनों अवयवों के क्वथनांक से कम है, सॉरी ज़्यादा है। यहाँ पर देखो 381, यहाँ पर कितना है 373, यहाँ पर कितना है 188, और इसका क्वथनांक क्या है, जो मिश्रण क्वथनांक है ये दोनों अवयवों के क्वथनांक से ज़्यादा है। तो इस तरह का जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है इसको कहा जाता है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, क्या बोलते हैं इसको, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, या अंग्रेजी में बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर, तो यहाँ पर जो मिश्रण है उसका क्वथनांक दोनों से कम है, ठीक है। तो इस तरह का जो मिश्रण है जिसका क्वथनांक इसके अवयव क्वथनांक से कम होता है इसको कहा जाता है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, या फिर इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थिर क्वाथी मिश्रण है वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्थिर क्वाथी मिश्रण कौन होते हैं, तो वैसे मिश्रण जिनमें अलग अलग अवयवों का क्वथनांक अलग अलग होता है लेकिन पूरा बिलियन एक ही तापमान पर उबलता है, उस तरह का जो मिश्रण है उसको बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन, एक होता है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी और एक होता है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी क्या होता है, तो वैसा मिश्रण जिसमें जो बिलियन है उसका क्वथनांक उसके अवयवों के क्वथनांक से ज़्यादा होता है उसको कहते हैं अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, और वैसा मिश्रण जिसमें जो बिलियन है उसका क्वथनांक उसके अवयवों के क्वथनांक से कम होता है उसको कहते हैं न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो यहाँ पर ये स्थिर क्वाथी मिश्रण का इसका एग्जाम्पल ये इसका एग्जाम्पल ये इसको लिख लेना है, एग्जाम में भी आता है ये।
ये बात हुआ स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में। स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसे कहते हैं? तो वैसा मिश्रण जिसका अलग अलग अवयव का क्वथनांक अलग अलग होता है, लेकिन पूरा मिश्रण, पूरा विलयन एक ही क्वथनांक पर उबलता है, एक ही तापमान पर उबलता है, तो उस मिश्रण को स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी और एक होते हैं न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। चलिए अब हम बात करते हैं अनुसंघ गुणधर्म के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अनुसंघ गुणधर्म। इसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो अनुसंघ गुणधर्म कैसे किसे हैं, नाम से ही स्पष्ट है, अनुसंघ गुणधर्म मतलब कि किसी विलयन के वैसे गुणधर्म जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अनुसंघ गुणधर्म कहा जाता है। क्या बोलेंगे हम, किसी विलयन के वैसे गुणधर्म जिन जो विलेय के अणुओं की संख्या पर, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अनुसंघ गुणधर्म कहा जाता है। देखो नाम से ही है अनुसंघ, विलयन के वैसे गुणधर्म जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है उन्हें क्या कहते हैं, अनुसंघ गुणधर्म कहते हैं। तो ये अनुसंघ गुणधर्म जो होता है इसके आधार पर अनुसंघ गुणधर्म कहते हैं, किसी में फिर लिखते हैं एक बार, विलयन के ऐसे गुणधर्म जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है उसे अनुसंघ गुणधर्म कहते हैं। तो विलयन के ऐसे गुणधर्म जो विलेय के अणुओं की संख्या पर मतलब उनके प्रकृति पर नहीं निर्भर करता है, संख्या पर निर्भर करता है, उन्हें अनुसंघ गुणधर्म कहते हैं। मतलब कि मान लो कि 10 मोल NaCl है और 10 मोल NaOH है, तो इनके लिए जो अनुसंघ गुणधर्म है वो समान होगा। क्यों? ये भी 10 मोल है और ये भी कितने हैं, 10 मोल है। मतलब कि इस पर निर्भर नहीं कर रहा है कि दोनों के दोनों अब विलेय अलग अलग हैं, इस पर निर्भर नहीं कर रहा है, बल्कि उनके नंबर पर डिपेंड कर रहा है, संख्या पर डिपेंड कर रहा है। तो उसी को क्या कहते हैं, अनुसंघ गुणधर्म कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो अनुसंघ गुणधर्म है, वह चार प्रकार का होता है। पहले को बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरे को बोलते हैं हिमांग का अवनमन या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा होता है प्रासरण एवं प्रासरण दाब, या फिर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और चौथे को बोलते हैं प्रासरण एवं प्रासरण दाब, जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो ये चार जो है अनुषंग गुणधर्म है, क्वथनांग का उन्नयन, हिमांग का उन्नमन, वाष्पदाब का पिक्षी को नमन और प्रासरण एवं प्रासरण दाब। इन चारों को पढ़ने के साथ ही ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ें, अभी तक हम लोग पढ़ें, चलो शुरू से रिवाइज करते हैं एक बार। बिलियन के बारे में पढ़ें कि बिलियन किसे कहते हैं, कि समांगी मिश्रण होता है और ये सब पढ़ें। फिर पढ़ें कि बिलियन द्विअंगी बिलियन कैसे क्या होता है, इसमें दो अवयव होता है। फिर पढ़ें कि बिलियन जो होता है उसमें उसके कितने प्रकार होते हैं। फिर पढ़े कि विलेयता किसे कहते हैं। फिर पढ़े कि वाष्पदाब किसे कहते हैं। उसी में पढ़े हेनरी का नियम किसे कहते हैं। तब पढ़े कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम किसे कहते हैं। तब पढ़े कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं। फिर पढ़े कि आदर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन क्या है। ठीक है, उसके बाद पढ़े कि जो अनादर्श विलयन है वो दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन होते हैं। उसके बाद पढ़े कि स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं। उसमें पढ़े दो तरह का मिश्रण, एक हुआ अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, एक हुआ न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। उसके बाद पढ़े कि अनुषंग गुणधर्म किसे कहते हैं। तो पढ़े कि वैसे गुण जो विलयन के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है उसको अनुषंग गुणधर्म कहा जाता है। इसे पढ़े कि चार प्रकार का होता है, एक होता है क्वथनांग का उन्नयन, एक होता है हिमांग का उन्नमन, एक होता है वाष्पदाब का अपेक्षिक उन्नमन और एक होता है प्रासरण एवं प्रासरण दा। ठीक है, तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग अनुषंग गुणधर्म के बारे में बात करेंगे और खासकर यहाँ से शुरू करेंगे क्वथनांग का उन्नयन, और यह सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसे रिवाइज करते रहो और अच्छे से।